दिन में यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। फिर भी ब्लाउज सब सिलाते हैं हम लोगों को, कितने साल हो गया आंटी सिलाते हुए? अब बोलो बुआ क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग्स, और मैं हूँ रिचा। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं हमारे ग्राउंड फ्लोर से। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ये अभी हो चुका है खाली और यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर में जो एक साल से रह रहे थे रेंट पे, तो उन्होंने तो पूरे वॉल की वाट लगा दी थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने इतना गंदा कर दिया था वॉल सिर्फ एक साल में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है और पेंट की एक कोट लग चुकी है। बट आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर भी वॉल ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर भी वॉल ख़राब हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ सामान अभी ऐसा रखा हुआ है और नीचे का हॉल इस तरीके से लग रहा है। अब आप देख सकते हो कि वहाँ की वॉल कितनी ब्लैक लग रही है। और है ये है नीचे वाला रूम, जिसकी भी वॉल पूरी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर भी एक कोट लग चुका है और डबल कोट करना बाकी है। एंड ये है यहाँ का किचन, तो किचन का भी काम अभी चल रहा है। यहाँ की जो वॉल है वो तो सिपेज के कारण ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऊपर का पानी सिपेज से आता था, तो इस वजह से ये दीवार को पूरी छिलनी पड़ी है। पुट्टी यहाँ पर रखी हुई है, पूरी दीवार जो छीले थे सिपेज की वजह से ख़राब हो गई थी। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। जल्दी से ये हो जाएगा पेंट और इसको डाल देंगे हम रेंट पे, क्योंकि जितने लोग भी आते हैं तो दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, तो हम लोगों को बताने में भी अच्छा नहीं लगता, फिर उनको तो रहना ही है। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नीचे का ग्राउंड फ्लोर। एंड अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड आई है कि उनको पोहा खाना है, तो चलते हैं ऊपर पोहा बनाने के लिए। वॉक करके आई हूँ और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से वॉक नहीं कर रही थी और आज सडनली मैं वॉक करने गई, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही थक गई। आज मुझे कहीं और भी जाना है, तो और मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो तो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। तो फटाफट से मुँह हाथ धोती हूँ और मैं खाती हूँ पोहा। मैंने पोहा भी खा लिया है और हाथ मुंह भी धो के आ गई। गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है, तो सबसे पहले मुझे गाड़ी साफ़ करनी चाहिए थी और उसके बाद मुझे मुंह हाथ धोना चाहिए था, बट कोई ना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो गाइस वो स्पेशल चीज़ ये है, ये वाला कुर्ता, जो कि कुछ ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा है। और ये आपको ना थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा, क्योंकि ये हो गए 3-4 साल पहले। आज मुझे बहुत दिनों के बाद ये कुर्ता दिखा, और ये कुर्ता इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पापा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी एनिवर्सरी के समय। फिर मैं चली गई नीचे गाड़ी साफ़ करने के लिए, तो देख सकते हो आप वो पुट्टी निकालने के कारण पूरी मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने जैसे तैसे जितना चलाने लायक साफ़ हो सका मैंने उतना साफ़ कर दिया। अच्छे से तो नहीं हो पाई, बट
हो गई जितनी मुझे चाहिए थी। मैं बस थोड़ी सी रेडी हो चुकी हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर मेरी मम्मी ब्लाउज वगैरह सिलवाने देती है और मेरा भी ब्लाउज वहीं से सिलाता है, तो वो यहाँ पर है। तो मम्मी को साड़ी ब्लाउज सिलाने के लिए, मीन्स ब्लाउज सिलाने के लिए और साड़ियाँ फालपिको के लिए देना। तो मैं कल घर गई हुई थी तो मैं मम्मी की सारी साड़ियाँ ब्लाउज लेके आ गई, क्योंकि मैं बहुत पास में रहती हूँ तो मैं 5 मिनट में जाके दे भी सकती हूँ। बस चलते हैं, साड़ी ब्लाउज दे के आते हैं। तो गाइस ये है इतनी सारी साड़ियाँ। हेलो आंटी, कैसे हो आप? तो गाइस ये है आंटी जिनके पास से हम साड़ी ब्लाउज सब सिलाते हैं। हम लोगों को कितने साल हो गया आंटी सिलाते हुए? बहुत साल हो गया, 8-10 साल हो गया। 8-10 साल हो गया ना। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है ना? हाँ। क्या नाम से है? गोल्डी कुटी। तो गाइज अगर आप लोगों को ब्लाउज की अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी होगी तो आप आंटी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मम्मी की पूरी साड़ी है, देख लो आप, पहले पूरा निकाल लो फिर मैं आपको डिजाइन बता देती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी की साड़ियाँ इतनी सारी। तो गाइज ये है मेरी सबसे छोटी वाली बुआ। अब बोलो बुआ क्या कर रहे हो? मूर्ति बना रही हूँ। रिया बाहर आ। ये है मेरी छोटी सी बहन। तो गाइस मैं बुआ के घर से भी आ गई क्योंकि बुआ का घर भी पास में ही है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद बुआ के घर गई थी, ये थी 8 बजे और अभी बज रहा रात के 10 और अभी वापस आ रही हूँ। अब जल्दी जल्दी से मैं खाना बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाएगा और सोफी को भी भूख लग जाएगी। तो आई होप गाइस कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रितेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइस।